गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट। बेटा आपका 20 लेसन हो गया रीड, ठीक है। आज हम 21 लेसन रीड करेंगे, लेकिन उससे पहले ये मस्ती का समय है, ये आपको रीड करने के लिए दिया गया है। इसको मैं रीड करूँगी, इसका नाम है हंसो हंसाओ, ठीक है। देखिए, नेहा तुम इधर आओ, मेघा मैं नहीं आ सकती, मेरा पैर सोया हुआ है, ठीक है। ये नेहा, ये मेघा है और ये नेहा एक दूसरे को बुला रही हैं। अब नेहा क्या कहती है, नेहा झूठ मत बोलो, खराटे की आवाज़ तो आ ही नहीं रही, ठीक है। ये सिर्फ हंसने के लिए जोक है बेटा, ओके। ये सेब, अब दूसरा दृश्य है, ये सेब ले लो, ये कश्मीर के हैं। नहीं मैं नहीं लूंगा, वहां नहीं बिके तो यहाँ हमें ठगने आए हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है, क्या बात है, क्यों जगा रहा है। जी मैं आपको नींद की दवा देना भूल गया था। मधुमक्खी मधु इकट्ठा करती है, इसलिए इसे मधुमक्खी कहते हैं। तब तो मम्मी तितली मतलब तो मम्मी तितली बटर इकट्ठा करती होगी, इसलिए इसे बटरफ्लाई कहते हैं। ये हंसने के लिए था बेटा, ठीक है। चलिए अब हम लेसन नंबर पाठ 21 रीड करेंगे, ठीक है। पाठ 21 का नाम है खरगोश ने रंग लगाया। क्या नाम है पाठ का बेटा, खरगोश ने रंग लगाया। अब देखिए, एक खरगोश को अपना सफेद रंग बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन उसे रंग के कुछ डिब्बे मिले, उसने सोचा मैं खुद को रंग लगा लेता हूँ। वही पास के पेड़ पर एक तोता बैठा था। अब देखिए, सभी जीव जंतुओं के अलग अलग रंग होते हैं, ठीक है। वैसे ही खरगोश जो है बेटा, खरगोश का क्या रंग होता है, सफेद, ठीक है। ये देखिए पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है। देखिए तोता जो हरे रंग का है, बंदर जो भूरे रंग का है, ठीक है, हिरन जो गोल्डन सुनहरे रंग का है, भालू जो काले रंग का है। हर जीव जंतुओं के अलग अलग रंग है। अब ये देखिए, अब ये तोता जो है बोल रहा है, मेरा हरा रंग कितना सुंदर है, तुम भी हरे रंग के हो जाओ। तोता पास में पेड़ पे बैठा हुआ था, खरगोश को देख रहा था। खरगोश बोलने लगा, मेरा जो सफेद रंग है वो मुझे पसंद नहीं है। तो तोता उसको बोलने लगा बातों बातों में कि मेरा रंग हरा कितना सुंदर है, तुम भी हरे रंग के हो जाओ, ठीक है। अब खरगोश क्या बोलता है, अच्छा ठीक है। अब खरगोश ने खुद को हरा रंग लगाया, वह बाहर निकला, उसे एक बंदर मिला। अब खरगोश ने हरा रंग लगाया खुद को और वो बाहर निकला, मतलब थोड़ी दूर और चला, फिर उसे एक बंदर मिला। अब बंदर क्या कह रहा है, अरे खरगोश भैया, हरा रंग कितना गंदा लग रहा है, तुम मेरे जैसे भूरे हो जाओ। अब खरगोश ने किसका रंग कर लिया अपने को, बंदर की तरह, अच्छा ठीक है। अब खरगोश ने अपने आप को भूरा रंग कर लिया। अब खरगोश ने खुद को भूरा रंग लगा लिया, वह बाहर निकला, उसे एक हिरन मिला। अब थोड़ी दूर आगे जाने पर उसे एक हिरन मिलता है। अब हिरन क्या बोलता है, सुनिए, छी भूरे रंग का खरगोश, अगर रंग ही लगाना था तो मेरे जैसे सुनहरे बन जाते, अच्छा मैं सुनहरा रंग लगा लेता हूँ। अब खरगोश ने कौन सा रंग लगा लिया, सुनहरा, ठीक है, सुनहरा मतलब गोल्डन कलर। अब खरगोश ने खुद को सुनहरा रंग लगा लिया, वह बाहर निकला, उसे एक भालू मिला। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे भालू मिलता है और भालू उसको देखकर क्या कहता है, सुनहरा रंग आंखों में कितना चुभ रहा है, तुम मेरे जैसे काले हो जाओ, कभी मैले नहीं लगोगे। अब खरगोश भालू की बात को सुनकर कहता है, हाँ तुम ठीक कहते हो, मैं काला रंग लगा लेता हूँ। अब खरगोश ने खुद को कौन सा रंग लगा लिया, काला। जैसे जैसे उसे जानवर मिलते गए, वो वैसा वैसा रंग अपने आप को लगाता गया। अब
खरगोश ने खुद को काला रंग लगा लिया। बाहर आते ही उसे एक जैबरा मिला। ये देखिए खड़ा है जैबरा। अब जैबरा क्या कहता है, हे भगवान, पूरा काले रंग का खरगोश भाई, कम से कम मेरी तरह काली सफेद धारियां ही बना लेते। अब खरगोश बोलता है, शायद तुम ठीक कह रहे हो। खरगोश ने घर आकर खुद पर सफेद धारियां बना ली। वह बाहर निकला, उसे एक गाय मिली। खरगोश ने अपने आप को जैबरा की तरह बना लिया। अब बाहर जब आगे जाता है थोड़ी दूर, तो उसे एक गाय मिलती है। अब गाय क्या कहती है, तुम क्यों सबकी बातों में आ रहे हो, तुम्हारा सफेद रंग इतना सुंदर है, तुम्हें किसी और रंग की जरूरत नहीं। अब गाय से समझा रही है कि जो तुम्हारा सफेद रंग है, भगवान ने जो तुमको सफेद रंग दिया है, तुम उसी में ही बहुत सुंदर लगते हो, दूसरों की बातों में आके अपने रंग को मत बदलो। अब खरगोश क्या कहता है गाय को, तुम सही कह रही हो। अब खरगोश घर आता है। खरगोश मल मल कर नहाया। वो बोलने लगा, आज मैं सारे नकली रंग उतार दूंगा। खरगोश ने खुद को आईने में देखा, कहने लगा, सचमुच मेरा अपना सफेद रंग ही कितना सुंदर है। अंत में खरगोश ने अपने आप को पहले जैसा सफेद कर लिया। ठीक है, जो उसको उसने अपने ऊपर दूसरे रंग लगाए थे वो उसने सारे उतार दिए। इससे इस पार्ट से हमें क्या शिक्षा मिलती है बेटा, कि हमारे पास जो है, जो भी है, हमें उसी से संतोष करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें जो चीजें दी हैं वो हमें उसी में हमें खुश रहना चाहिए। ठीक है, भगवान की दी हुई चीजों का हमें सम्मान करना चाहिए। ओके बेटा, अब हमने लेसन रीड कर लिया, बुक वर्क हम आप कर लेना बेटा, ठीक है, ये आपको सेंड कर दूंगी मैं। ओके बेटा, बाय।